लैपटॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है हमारी लाइफ का। फिर चाहे आप स्टूडेंट्स हो, एम्प्लॉयज हो, क्रिएटर हो या घर पर बैठकर कुछ और काम क्यों ना कर रहे हो, लैपटॉप तो चाहिए ही। क्योंकि इसका रीजन भी है, इंडिया में इस साल जनवरी फरवरी मार्च 2022 पिछले साल से कंपेयर कर ले तो लैपटॉप्स में 48% की ग्रोथ मिली। यानी कि लोग इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं अपनी सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, आपकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होता है, आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, इतना ही नहीं अगर आपको थोड़े गेम्स खेलना है, एंटरटेनमेंट के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी करना है, तो आपको लैपटॉप चाहिए ही रहेगा। आज मैं आपको बढ़िया AMD के लैपटॉप्स बताऊंगा जिनमें आपकी सारे रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ बजट में भी फिट हो जाएगा। लेकिन लैपटॉप परचेस करने से पहले होल्ड ऑन, चार इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां पर याद रखनी। सबसे पहले चीज पोर्टेबिलिटी, लैपटॉप थोड़ा लाइट वेट होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेवल करते आपको ज्यादा परेशान ना करे, आप अनकंफर्टेबल फील ना हो, वो कहीं पर भी फिट हो जाए आपका काम आसान हो जाए। दूसरी चीज है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लैपटॉप का। सिंगल चार्ज करिए आराम से, आपका वो आधा दिन या पूरा दिन तो साथ देना ही चाहिए, क्योंकि हर जगह हमें आउटलेट्स नहीं मिलते। लैपटॉप एक बार चार्ज कर लिया, चार्जिंग आउटलेट नहीं मिला तो क्या करेंगे। इसीलिए बैटरी लाइफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसका भी ख्याल रखना है। परफॉर्मेंस भी की रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको सारे अगर आपके काम करने हैं, गेम्स खेलना है, वीडियोस देखना है, प्रोडक्टिविटी के सारे काम करने हैं, तो चिपसेट भी ऐसी ढूंढना है कि जो आपके लैपटॉप में अच्छी हो, जिससे आपके सारे काम एकदम स्मूथली हो जाए। और फाइनली दोस्तों, स्टोरेज, रैम, इनको भी देखना है। जितना ज्यादा रैम उतना बेटर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी, मतलब मल्टीटास्किंग अच्छे से कर सकेंगे, रेंडरिंग अच्छी होगी, और साथ में अगर स्टोरेज ज्यादा हो तो सारे वीडियोस फाइल्स वगैरह आप स्टोर कर सकते हैं, गेम्स भी स्टोर कर सकते हैं, और दूसरे भी जैसे कि वेबकैम है, बढ़िया पोर्ट्स, फिंगरप्रिंट स्कैनर, इन सब का भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन याद रहे दोस्तों, अगर आप एक लैपटॉप परचेस करने निकल ही रहे और स्पेशली अगर आप स्टूडेंट्स हैं, तो AMD पावर्ड लैपटॉप्स को आपको चूज करने चाहिए। AMD प्रोसेसर्स काफी स्टेबल होते हैं और लॉन्ग बैटरी लाइफ भी आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि AMD Ryzen 5000 U सीरीज वाले जो प्रोसेसर्स हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। बैटरी लाइफ आपको सिंगल चार्ज पर काफी बढ़िया मिलती है। प्रोसेसर्स भी दोस्तों आपको हर एंगल में, जैसे कि प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, आप थोड़े गेम्स क्यों ना खेल रहे हो और दूसरे टास्क क्यों ना करो, चाहे वो लाइट टू मीडियम क्यों ना हो, आपके सारे काम आप उसमें आसानी से कर सकते हैं। और रेडियन की ग्राफिक्स भी रहती है, वो भी अपना काम बहुत ही बेहतरीन करती है। तो मेरे हिसाब से आज मैं वैसे आपको वही तीन AMD वाले लैपटॉप्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे। अब सबसे पहला जो लैपटॉप है दोस्तों, वो है Asus VivoBook। इसका जो फॉर्म फैक्टर है मुझे काफी अच्छा लगा है। ये बहुत स्लिम है, 1.7 किलोग्राम का है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, बट जो डिस्प्ले आपको मिलती है वो सुपर्ब है। 15.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले है, यहां पर ये OLED डिस्प्ले है। इसमें आपको 600 nits की ब्राइटनेस मिलती है, साथ ही साथ आपको इसमें एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं होंगे। आई केयर मोड दिया है, 100% आपको DCI-P3 मिलता है, HDR आपको सपोर्ट देता है। जितने भी हमने इसमें वीडियोस देखे, जो एक्सपीरियंस था, जो कलर्स थे, वो बहुत ही कमाल के थे। साथ ही साथ 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी है, तो बेजल्स भी इतने ज़्यादा नहीं है जहाँ तक मैं अगर देखूँ तो। उसी के साथ आपको इसमें बहुत सारे मल्टीपल पोर्ट्स मिलते हैं, माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी दे दिया है, बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और साथ में वेबकैम भी दे दिया है। साथ में आपको AMD Ryzen 5500U प्रोसेसर मिलता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये कितने स्टेबल होते हैं, परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिलेगी। आप एडिटिंग के काम करिए, फोटोशॉप करिए, सारे जितने भी जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये चिपसेट में पूरी हो जाएगी। बैटरी की बात करें तो 42 वॉट आवर की बैटरी है, 65 वॉट का फास्ट चार्जर भी उन्होंने बॉक्स में दिया है। सिंगल चार्ज पर अगर आप मिक्स्ड यूज करते हैं तो बैकअप आपको इसमें अच्छा डिसेंट मिलेगा, और साथ में 8GB की आपको रैम है, और इसमें 256GB की SSD और 1TB का आपको हार्ड ड्राइव मिलता है। तो SSD के साथ साथ आपको हार्ड ड्राइव भी 1TB का मिलता है, स्टोरेज भी ज़्यादा है, और आपके दूसरे भी जो टास्क आप करते हैं डे टू डे लाइफ के, मल्टीटास्किंग वगैरह, वो भी यहाँ पर काफ़ी फास्ट होने वाले हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये 55,000 की रेंज में भी आपको फ्लिपकार्ट पर मिलेगा। वैसे सारे जगह पर अवेलेबल है, अलग अलग प्राइस सेगमेंट में मिलेगा, और प्राइस ऊपर नीचे भी होते रहती है, डिपेंड करता है, ऑफर भी कभी कभी चलते हैं। लेकिन इस प्राइस पर जो डिस्प्ले है और जो आपको परफॉर्मेंस मिल रही है, साथ में जो इसका फॉर्म फैक्टर है, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। फिर आता है दोस्तों HP Pavilion 14 इंच की आपको इसमें डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, पोर्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। हमने इसको यूज़ किया, बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, 1.4 किलोग्राम्स, काफ़ी स्लिम भी है, बिल्ड भी काफ़ी स्टर्डी, आपको मेटल में मिलता है, और इसमें भी वही आपको AMD Ryzen 5500U प्रोसेसर मिलता है। प्रोडक्टिविटी के सारे काम आप इसमें अच्छे से कर सकते हैं, आपको एडिटिंग करना है, फोटोशॉप करना है, जो भी प्रोजेक्ट्स आपके क्यों ना हो, बहुत ही अच्छा आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा। डिस्प्ले भी कॉम्पैक्ट है, 14 इंच की है,
फुल एचडी आपको रेजोल्यूशन है, और यहाँ पर इनफैक्ट अगर आप इसमें वीडियोस वगैरह भी देखेंगे तो काफ़ी क्यूट लगता है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। उसी के साथ दोस्तों इसमें आपको वेबकैम भी मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया है, आपको बैकलिट कीबोर्ड है, मल्टीपल आपको यूएसबी पोर्ट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ 43 वॉट आवर आपको इसमें बैटरी देखने को मिलती है, और 65 वॉट का आपको फास्ट चार्जर भी दिया है, तो इससे आप इसको फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं। बट इसकी भी बैटरी अच्छी है, सिंगल चार्ज पर आपको बढ़िया बैकअप मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन सा टास्क कर रहे हैं। हैवी गेमिंग के लिए तो ये लैपटॉप वैसे होते नहीं है, नॉर्मल टास्क करते हैं, दूसरे जो काम करते हैं, तो बैकअप आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि आपको ये 16GB रैम के साथ मिलता है और 512GB की SSD मिलती है। यहाँ पर ज़्यादा रैम, ज़्यादा स्टोरेज, वो भी SSD, आपके सारे काम मल्टीटास्किंग के ये वो सब कुछ स्मूथ होने वाले हैं। इसकी प्राइस की बात करें तो 64,900 ये या फिर 63,900, डिपेंड करता है, प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन 65,000 की रेंज में आपको ये मिलेगा। अगर आपकी बजट है, आपके सारे रिक्वायरमेंट्स इसमें भी अगर पूरी होती है तो आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनली आता है डेल वॉस्ट्रोप, इसको हमने कुछ टाइम इस्तेमाल किया है। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस किया हूँ इसकी पोर्टेबिलिटी, काफी आपको लाइट वेट मिलता है 1.4 किलोग्राम, और आप देखेंगे बहुत ज्यादा स्लिम भी है। साथ में आपको AMD Ryzen 5500U प्रोसेसर मिलता है और AMD Radeon ग्राफिक्स है, जहां पर आपको डे टू डे लाइफ के जितने टास्क है, प्रोडक्टिविटी वाले सारे काम इसमें भी आप अच्छे से कर सकेंगे। वैसे आपको इसके अंदर फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है, बैकलिट कीबोर्ड है, मल्टीपल पोर्ट से यूएसबी टाइप सी वाला पोर्ट भी मिलता है, वो वेबकैम भी उन्होंने आपको दे दिया। उसी के साथ आपको 14 इंच वाली डिस्प्ले फुल एचडी वाली है, एंटी ग्लेयर है, और डिस्प्ले क्वाइट इसका जो व्यू एंगल से वो भी क्वाइट बेटर है। और साथ में दोस्तों ये आपको 8GB की रैम और 512GB आपको स्टोरेज मिलती है, तो स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है और SSD यानी कि आपका काम बहुत ही फास्ट होगा। 54 वॉट आवर की आपको इसमें बैटरी मिलती है और 65 वॉट का अडैप्टर उन्होंने बॉक्स में दिया है, जिससे आप इसको फास्ट चार्ज कर सकेंगे, और इसमें बैटरी बैकअप भी अच्छा है। जितना भी हमने यूज़ किया है, मैं मिक्स्ड यूसेज की बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा बैकअप दे रहा है। लेकिन प्राइस इसका सबसे बेस्ट है 54,500, मुझे लगता है अंडर 55,000 की कैटेगरी पर ये आ जाता है, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये पूरी करता है तो उस प्राइस पर मुझे लगता है कि काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। तो ये वो 3 लैपटॉप्स थे जिनके बारे में आपको मैंने बताया। इनमें आपको AMD चिपसेट मिलती है, जिसमें आपको बैटरी लाइफ हो, परफॉर्मेंस हो। स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि AMD चिपसेट वाले जो लैपटॉप्स होते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, बैटरी लाइफ अच्छी मिलती है, और साथ ही साथ बजट में भी फिट रहता है। तो तीनों अलग अलग प्राइस सेगमेंट पर है, तीनों में अलग अलग क्वालिटी से। अगर आपको चेकआउट करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जाइए देखिए, जो आपको ठीक लगता है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों ऐसे ही हम लैपटॉप्स के भी वीडियोस बनाते रहेंगे अलग अलग प्राइस कैटेगरी पर। ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जरूर से सजेशन दीजिए, अगर आप नए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही बड़ा मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।